हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग? वेलकम बैक टू माइनिंग ब्लॉग। तो आज आप लोग वापस से देखने जा रहे हैं। वाह, मैंने असल में चैनल का नाम चेंज किया है, तो मेरे चैनल का नाम है वाहिब साद ब्लॉग एंड शॉर्ट्स। ये मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया, तो अब से मैं यही बात बोलूँगा। और हाँ गाइस, आप बोलोगे कि मैंने बहुत दिन बाद ब्लॉग बनाया है, तो आप बस मेरी शॉर्ट्स तो आप चेक करें। शॉर्ट्स के अंदर मेरे मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं एकदम अनपढ़ हूँ, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मगर आप मेरी ड्राइंग देखें, राइटिंग देखें। और अभी मेरे पेपर हुए थे, तो उसके अंदर निज़ाल ने मुझे अभी ब्लॉग बनाने को बोला है कि मैंने भी उसने शॉर्ट बनाई हुई थी। मैंने शॉर्ट पे उससे क्लिक किया, कमेंट के ऊपर शॉर्ट के ऊपर मैंने कमेंट किया। मैंने शॉर्ट का नहीं बोला था, सबसे पहले मैंने उसको एक वीडियो पे कमेंट किया कि यार कोई न्यू वीडियो डालो, उसने शॉर्ट्स डाल दी। मैंने शॉर्ट पे वापस बोला कि तुम न्यू कोई व्लॉग डालो, आज उसने व्लॉग डाला है। तो निज़ाल है उसका नाम, तो निज़ाल ने मुझे अभी बोला कि मैं तो व्लॉग बना रहा हूँ, तुम भी व्लॉग बना दो यार, तुम तो बस शॉर्ट पे शॉर्ट ही डाले जा रहे हो। तो अभी फ़िलहाल हम लोग घर के अंदर अकेले थे। अब्बू ने काम दिया था कि अभी विंटर वेकेशन की छुट्टियां आ रही हैं, तो विंटर वेकेशन की छुट्टियों के अंदर आपको विंटर वेकेशन की छुट्टियों के फ़ौरन बाद हमारे फाइनल टर्म के पेपर हैं, ठीक है ना। अभी मिड टर्म के अंदर जैसे कि निज़ाल को आप देखते हैं, निज़ाल के अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्लास में टॉप करता है, मगर उसकी क्लास छोटी है। मैं 5 क्लास के अंदर हूँ, फिर भी मेरी 81% आई थी। 81 जी, 81 ही आई थी। और उसकी छोटी क्लास है, मैं बड़ी क्लास के अंदर, इसलिए मेरी वो आई थी 81। क्या करूँगा, व्लॉग में कुछ बता ही नहीं सकता। बल्कि पहले आए, मैं पहले आपको अपनी ड्राइंग्स दिखाऊं। चलो बस, कैसे चलेंगी कमरे के अंदर? कमरे के अंदर वो कैसे चलेंगे? क्या वो कैसे चलेंगे? आपने कहा चलो कहीं, चलो भाई। लाइट जल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ड्राइंग जिन्होंने मेरी शॉर्ट्स नहीं देखी हैं, तो शॉर्ट्स देख लो, उसके अंदर एडिटिंग हुई हुई है। पहली ड्राइंग है मेरी, ये देखें। ये ड्राइंग नहीं है रुबा, प्लीज नहीं। अच्छा अच्छा, और दूसरी ड्राइंग है गाइस मेरी, पीछे है दूसरी है गाइस मेरी। ये कमेंट में बताएं आपको कैसी लग रही है ड्राइंग, अगर आपको ये ड्राइंग अच्छी लग रही है। और हाँ गाइस, गाइस रुबा एक चीज हम लोग बताना भूल गए। गाइज, आपने मेरे इतने सारे व्यूज शॉर्ट्स पर बढ़वाए, और आज गाइज मेरे सब्सक्राइबर हैं 107। गाइज आपने मेरे सब्सक्राइबर करा दिए, तो बहुत बहुत जजाकल्ला कि आपने मेरे 107 सब्सक्राइबर कराए। और हाँ गाइज, बाबा ने हम लोगों को काम दिया था कि जितने भी तुम लोगों के अंदर पेपर के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना, तो उन सब्जेक्ट को पहले लिखो, और फिर उसके अंदर जितने चैप्टर आ रहे हैं वो लिखो। अरवा ने बनाया है, अरवा का ये रहा। आप इनकी राइटिंग तो बस देखें, मैंने फ्री राइटिंग की है। राइटिंग बस आप गाइस चेक तो करें इनकी राइटिंग। और गाइस मैं आपको अपनी राइटिंग दिखाता हूँ। घटिया तरीन तुमसे तो बहुत ही अच्छी है। गाइस मेरी राइटिंग है ये, देखो मैंने फ्री राइटिंग की थी। गाइस ये मेरी राइटिंग है, और हाँ इधर आए गाइज, आप बताएं कमेंट में, बताइएगा कमेंट में, तो ज़रूर बताइएगा। निज़ाल भी अगर ये व्लॉग देख रहा है ना, तो कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये अरवा की है और ये मेरी है, ये देखें। इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है आप बताएं। ये बस ऊपर से ना डिज़ाइन बना दिया, तो डिज़ाइन देख के मत जाइएगा। राइटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा, मैं राइटिंग की बात कर रहा हूँ। ये देखें, ये मेरी राइटिंग है, ठीक है, और ये है अरवा की, ठीक है ना। अब देखते हैं ना कमेंट किसका ज़्यादा अच्छा आता है। अभी फिलहाल इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पे। और हाँ गाइस, अभी अम्मी अब्बू निकल कर गए हैं, अम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो उनके टेस्ट वगैरह कराने गए हैं,
तो घर आप चेक करें कितना सिमटा हुआ है, बस थोड़ा बहुत फैला हुआ होगा, चादर आप देख सकते हैं फैली हुई है, मगर ये जगह तो एकदम सिमटी हुई है। बस कुछ कुछ चीज़ें रखी, बस कुछ कुछ चीज़ें पड़ी हुई, ये देखें ये वाला ही कमरा कितना सिमटा हुआ है। और सबसे अल्ट्रा प्रो मैक्स कमरा गाइस मजाक के साथ ये वाला सिमटा हुआ है ना, इधर भी देख सकते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा सिमटा हुआ है गाइस, इतना सिमटा हुआ कमरा, इतना सिमटा हुआ कमरा हो ही नहीं सकता, ये मतलब आप देखें कितना सिमटा हुआ कमरा हो रहा है। ये देखें घड़ी अपनी जगह पे, हेलमेट अपनी जगह पे, अलमारी का दरवाजा देखें बंद हुआ हुआ है, सामान देखें वहां पर बिल्कुल भी कहीं भी नहीं घुसा हुआ सामान देखें कुर्सी पे कोई चीज़ें भी नहीं लटकी हुई हैं, ठीक है ना। और गाइस ये है हमारा टाइम टेबल, 5 बजे उठना है, नमाज फजर की नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, फिर 7 बजे स्कूल, 2 बजे नमाज ज़ोहर, 3 बजे खाना, और 4 बजे क्या है ये, 4 बजे 4 बजे हमारा थोड़ा सा रेस्ट का टाइम होगा, 4:30 बजे हम लोग होमवर्क करने बैठेंगे, 7 बजे तक नमाज मगरिब, 9 बजे होगा डिनर, मगर हमारी ये है कि ईशा की, बल्कि 7 बजे ईशा की कहाँ है, अच्छा हाँ 9 बजे पहले हमें ईशा की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद हमें डिनर मिलेगा, अगर हम लोगों ने ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ी तो हमें डिनर नहीं मिलेगा। आपने देख लिया होगा हमारा टाइम टेबल, ठीक है ना गाइस। आपको पता है चाय आज की मैंने बनाई थी, देखिए कुछ ज़्यादा पत्ती नहीं डाल दी गाइस मैंने, हाँ गाइस एक बार क्या हुआ, ये देखें इधर से पत्ती निकाल लो, ढकना लूज़ हुआ है, ये डायरेक्ट यूं से मैंने यूं उठाया और डायरेक्ट पूरा यूं खुल के यूं ऐसे हो गया, देखिए मैं खड़ी हुई थी, मैं ऐसे पीछे हो ही जाता था, कोई यूं हो गया था, ढकना खुला हुआ था उस टाइम पे, सोचिए कितनी ज्यादा पत्ती गिरी होगी गाइस, गाइस ये गिरी मैं ऐसे हो जैसे आग गई, और गाइस आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मेरे एक शॉर्ट के ऊपर 4.7K व्यूज लिए करा। एक निजाल था, निजाल वो ही मेरा कजन मुझे चढ़ाता रहता था कि तुम्हारे तो कम सब्सक्राइबर है, तुम्हारे तो कम व्यूज है, आज मैंने उससे उसके हैं 11,048 और मेरे हैं 11,287 व्यूज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, और उसके सब्सक्राइबर हैं 84 और मेरे हैं 107, जैसे कि मैंने आपको शुरू के अंदर वीडियो में बता ही दिया था। और इस ब्लॉग का बनाने के लिए मुझे निजाल ने बोला था, तो मैं निजाल के लिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ, मैंने अभी उनका ब्लॉग देखा, 4 इसराइल के झंडे उन्होंने अभी जलाए हैं और फलस्तीन के झंडे को, मगर अच्छी बात है उन्होंने इसराइल के झंडों को जलाया है और फलस्तीन के झंडों को उन्होंने टेबल पर रखा है, और फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो एंड कर दी, तो अभी के लिए तो मैं भी आज की वीडियो यहीं पर ही एंड करता हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड गाइस इनके चैनल पे भी आप सब्सक्राइब करें, अरवा साथ व्लॉग नाम है इनके चैनल का नाम, इनके 9 सब्सक्राइबर हैं और इनके टोटल व्यूज हैं 287। गाइस आंख मार रही है मुझे, नहीं मिलियन गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफिज़।